सलाम अलैकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। यार जैसे कि कल हमने ना अपने कबूतरों को फ्लाई करवाया था और हमारे कबूतर ने माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा फ्लाई किया था और मैं बहुत ज़्यादा खुश था कि हमारे कबूतर इतना अच्छा फ्लाई किया है। दो तो हमारे वापस आ गए थे लेकिन एक हमारा बहुत ही बुलंदी में चला गया था, ठीक है। लेकिन दोस्तों बैड न्यूज़ ये है कि बैड न्यूज़ दोस्तों वो हमारा कबूतर मुड़ के आया ही नहीं था। तो बहुत बुलंदी में मुझे नज़र भी आ रहा था लेकिन मैंने काम पे जाना था, मैं वहाँ काम पे चला गया था तो इसी वजह से जब मैं वापस आया उस टाइम नहीं थे। अब मैं फ़ौरन ऊपर आया हूँ, मैंने कहा देखते हैं शायद हमारा कबूतर वापस आया हो, लेकिन अभी भी ना यहाँ पे कोई चीज़ नहीं है, बिल्कुल आसमान खाली है। मैंने कही ना कि यहाँ पे आके बैठ गया होगा, लेकिन वो दूर कबूतर बैठे हुए हैं लेकिन उनमें से हमारा शायद नहीं है, ठीक है। तो यही है कि यार किसी के पास बैठ गया होगा, किसी ने पकड़ लिया होगा, फिर यही हो सकता है। तो खैर उसके नसीब उसके पास चला गया, क्या कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा फ्लाई किया था। पहली उड़ान में दोस्तों बादलों में चला गया था, माशाल्लाह से बहुत अच्छा लगा मुझे कि इतनी हमारे कबूतर ने उड़ान की, पहले कभी इतनी की नहीं थी, ठीक है। बाकी कबूतर दोस्तों हमारे ये हैं, बिल्कुल एक्टिव हैं, बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, ठीक है। और मैं सोच रहा हूँ यार इसे हमारे कौन से ये लकी कबूतर है ना, इसके लिए मैं फीमेल ले हूँ, ठीक है। क्योंकि दोस्तों काफ़ी टाइम हो गया ये अकेला हो रहा है और बड़ी मस्ती कर रहा होता सबके साथ, किसी कपड़े लगने भी नहीं देता क्योंकि इसका अपना नहीं लग रहा, ठीक है। मेरा दिल इसके लिए ना फीमेल ले आते हैं ताकि ना यार ये अपना ना पेयर बना सके और ये ब्रीडिंग करे। आपको पता हमारे सेटअप पे ना इन्होंने ही सिर्फ ब्रीडिंग की लिखी कबूतर ने और किसी ने की भी नहीं थी, ठीक है। तो बहुत जल्द इसकी भी फीमेल लेंगे और वो मेल आज मैं ले जाऊंगा, उसे जो मैं फीमेल लेके आऊंगा, ठीक है। क्योंकि एक हमारे पास फीमेल वो नीचे बैठी हुई है, वो पेयर है, वो हमारा केला हो जाएगा, वो ऊपर वाला ना उसके साथ फिर ये देखे ना ये वाला उसकी रियल फीमेल ले आएंगे, ठीक है। बाकी दो हमारे इधर बंद हुए हैं, आज भाई भाई तुम भी ये देखे। अब से ना देखे ना इसकी आँख देखे काफ़ी बेहतर है, आँख देखे इसकी बिल्कुल ठीक हो चुकी है, ठीक है। और बहुत जल्द ये भी ना बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बस यार मैं ये कह रहा हूँ जल्दी जल्दी ये पेयर अपने और ब्रीडिंग करना स्टार्ट कर दे, लेकिन यार अभी तक ब्रीड कर नहीं रहे, पता नहीं क्या है। हर तरीका मैं आजमा बैठूँ कि यार किस तरीके से यार ब्रीड करें से, बस एक दफा करें से, लेकिन हमारे लक की बात है क्या कह सकते हैं, ठीक है। चलो अभी ना इनको छोड़ देते हैं, ये थोड़ी देर बाहर निकाल लेते हैं ताकि यार थोड़ा दाना वगैरह खाने, या आई थिंक ना इनको थोड़ा बंद थोड़ा रहने लेते हैं, ठीक है। इनको बाद में निकालेंगे, आज सबसे पहले ना अपनी मुर्गियों निकालेंगे, ठीक है। मुर्गी को दाना वगैरह डालेंगे, सब पहले उनको निकालेंगे। कल बड़ा लेट निकाला था तो बहुत कम टाइम मिला, ठीक है। उनको तभी कबूतरों को दाना वगैरह डाल देते हैं, ठीक है। ये थोड़े रोटी के टुकड़े हैं, ठीक है, ये मैं कबूतरों को डाल देता हूँ। ये बहुत है यार, ये इतना खाते भी नहीं है, ठीक है। इससे ये होगा यार इनके ना खाते पीते हैं नहीं, नीचे वाली हड्डी निकली हुई है, वो हाथ पर रहता है, हमारे कबूतर कितने कमज़ोर हैं। तो इनको ये डालते हैं ताकि यार ये खाएँ पिए और एक्टिव रहें, ठीक है। पता नहीं ये इतने शौक से खाते नहीं, वरना कबूतर इतने शौक से खाते हैं, पता नहीं यार इनको क्या है, कोई नहीं अच्छी तरह खाने लग जाएंगे। देखो वो आ गए नीचे, वो आ गए देखिए माशाल्लाह से सारे खाने लग गए, ये देखिए। चलो बस ऐसे ऐसे ये खाते रहें ना तो ये बिल्कुल माशाल्लाह एक्टिव हो जाएंगे, देखें। और मुझे बड़ी खुशी है कि वो हमारा कौन सा सेंटिनल पिगन है ना मेल, वो बिल्कुल ठीक हो गया और एक्टिव हो गया, देखिए माशाल्लाह से। चलो सब बेहतर है यार, चलो तुम रेस्ट मारो। तो अभी दोस्तों हम क्या करते हैं, बारी बारी अपनी मुर्गियां वगैरह खोल लेते हैं, क्योंकि दोस्तों बहुत कम टाइम होता है इस टाइम, ठीक है। तो और बहुत सारे काम करने होते हैं और आपको पता है कल जुम्मा है और जुम्मे को हमने काफ़ी काम करने वाला है, मतलब कि हमारा इस पूरे सेटअप की छत रहती है और अंदर मटेरियल रहता है जो हमने इसके अंदर डालना है, मतलब कि सर्दियों के लिए। तो मौसम दोस्तों काफ़ी चेंज हो रहा है, मैं कह रहा हूँ अभी अभी काम कर ले, ये ना हो एक बारिश आए और हमारा ये सारा सेटअप ख़राब हो जाए और हमारे को जो सारे मुर्गे मुर्गी हैं ना वो फिर से डिस्टर्ब हो, ठीक है। इसलिए ना वो मैं नहीं चाह रहा कि दोबारा डिस्टर्ब हो, इसलिए मैं कहता हूँ बस जल्दी जल्दी ना मैं बस बना लूँ, ठीक है, सारे काम मुकम्मल कर लूँ ताकि बाद में ना हमें कोई ना मुश्किल परेशानी ना हो। तो इंशाल्लाह ताला जुम्मे वाले दिन, कल जुम्मा है, इंशाल्लाह ताला कल हम इनके लिए सब वो चीज़ करेंगे, ठीक है। कल हम सब इनका काम खत्म कर देंगे, अभी ना इन सब को हम बाहर निकाल देते हैं। चलो चलो आ जाओ, उम्मीद है हमारी मुर्गी ने दोस्तों अंडा भी दिया होगा, बाहर आओ यार मैंने अंडा देखना है कल, क्योंकि ना इस मुर्गी ने यही दे दी है, इसने ना अंडा नहीं दिया था। जरा बाहर आओ यार मुझे देखने दो, अंडा 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 तो नहीं है यार, अंडा क्यों नहीं है, अंडा दोस्तों अभी तक बिल्कुल भी नहीं आया, पता नहीं क्यों नहीं आया, कोई नहीं खैर है दे लेगी अंडा भी, अभी तो अभी निकाला है, ठीक है। एक तो ये इसका ये काम होता है बाहर निकलते ही ना
ये कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर जगह बनाने लग जाती है, ठीक है। और बाकी ये हमारी मुर्गी बस बहुत जल्दी अंडे देंगे, स्टार्ट करेंगी। चलो इसको भी बाहर निकालते हैं। आजो 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 आजो। हाँ इनका पेड़ ठीक है, ये आपस में ठीक है ना, एक हम उम्र ही हैं, ठीक है, इसलिए मैंने इसको साथ रखा हुआ है, ठीक है। एक तो बड़ी बुरी आदत है यार, ये कभी कभी इसको मारता है, ठीक है। इसको फिर ना उधर बंद करें ना, फिर ये मुर्गी उनको इसके काम चेक करो यार, तुम्हारा अच्छा काम है ऐसे ही, कुछ हुआ तो नहीं यार, यहाँ जारी ना तोड़ दियो। बस यही है यार, पता नहीं क्या दिया यार, क्या होगा था यार, तुमको पागल हो गई हो तुम, इतने पिंजरे हैं उसके अंदर जाओ, हद है यार, कमाल करती है हमारी मुर्गी भी यार। वो आज तुम भी यार, ओए 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 ये देख लाला, अब इनको ना दाना वगैरह डालते हैं, अलग अलग डालते हैं, क्योंकि हमने काफ़ी मुर्गे आज ना हमने अपने सारे मुर्गे निकालने हैं, ठीक है, बारी बारी ना सारे मुर्गे इकट्ठे निकालने हैं, इकट्ठे इकट्ठे। चलो मियाँ तुम भी आ जाओ, निकलो निकलो निकलो। किंग को भी दोस्तों खोल दिया है आज हमने यार, इकट्ठे ना सारी मुर्गियाँ मुर्गों को निकाल देना, ठीक है, कोई मसला नहीं यार, हमें मैं हूँ ना, एडजस्ट कर लेंगे। और इस तरह किंग को भी निकाल दिए दोस्तों, उधर हमने कालू को भी निकाला है देखें, ठीक है, और इधर हमने चैम्पियन मुर्गी को भी निकाल दिया, किधर गई चैम्पियन मुर्गियाँ, वो भी अंदर ही है, वो भी निकल आएंगी, ठीक है। एक ये मुर्गी की बड़ी बुरी आदत है, ये भाग के ना इस मुर्गी के पास ही आती है और उसकी ना क्रीज खाने लग जाती है, मुझे इस पर बड़ा गुस्सा आता है, ठीक है। अभी तुम रह गए हो, चलो यार तुम भी बाहर आ जाओ, आ जाओ आ जाओ, तुम क्यों रहे आज, सब कोई बाहर निकालना यार, ओए 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 लड़ना नहीं है बस, चलो 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 चलो, लड़ना नहीं है लड़ना नहीं है, बस लड़ना नहीं है भाई, साइड 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 पे है यार, अपना अपना खा लो यार, लड़ने की क्या जरूरत है। चलो भाई तुम उधर उस कोने में, वो तुम्हारा वो कोना, चलो चलो वो कोना, चलो चलो उधर, हाँ उधर उस कोने में जाओ, चलो यार एक साथ 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 ना तीन तीन मुर्गे संभालना बड़ी मुश्किल होता है कसम से, इधर से उसको साइड करो उसके इस साइड करो, तीन मुर्गे संभालना बड़ा मुश्किल है, और वो भी जो जाने देते हो। और अभी हमारे पास वो मुर्गे भी है जो दोस्तों क्या है वो भी, ओए 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 ये से काम चक्कर, ओए काम चेक करो यार, इनको मैंने निकाला बाहर, ये फिर वही बुरे काम है लड़ाई वाले, ये बड़ा तेज है, ये बड़ा मेरे हाथों में है ना हमारा बहादुर, ये बड़ा तेज बकरा था, लड़ाओ से इसको, इसको भी मैं एक्स्ट्रा डाइट दे रहा हूँ क्योंकि यार ये थोड़ा कमजोर हो गया, नोक खराब होने की वजह से खाता पीता नहीं था, लेकिन अब तो बेहतर हो गया, इसको रास्ते में मैं आटा दे रहा हूँ तो वो भी खाता पीता। चलो भाई यहाँ पे ये देख मेरा सारा हाथ गंदा कर दिया इसने, यहीं पर हो तो मैंने और कहीं जाना नहीं है, अब इसने उसके साथ पंगे लेने हैं, इसका कोई अच्छा काम नहीं है, इसको यहाँ पर दाना वगैरह डालते हैं ताकि यार थोड़ा ना सेट हो जाए, उस मुर्गे के साथ फिरो, ओए तुम इधर हो इधर हो, चलो चलो चलो। इसकी दोस्तों माशाल्लाह से क्रीज देख रहे हैं काफ़ी अच्छी हो गई है, कुछ दोस्तों मुर्गी आके खा जाती है लेकिन काफ़ी अच्छी होगी, पूंछ भी काफ़ी आ चुकी है, साथ साथ इसको ना पानी लगा रहा हूँ, ठीक है, पूंछ पे ना मुंह से पानी लगा दूँ, सारे बदन पे पानी लगाने से ये ना इनके पर जल्दी आ जाते हैं, जो आ रहे होते हैं ना और जल्दी आ जाते हैं, ठीक है। ये तो हमारी मुर्गी में क्या होगा यार, मुझे बीमार बीमार लग रही है, बीमार हो नहीं नहीं ठीक है ठीक है ठीक है, मुझे वो मुर्गी बीमार हल्की ना बीमार बीमार लग रही है, देख रहे हैं ना मुझे महसूस हो रही है ये बीमार है, इसका उसको ना कोई मेडिसिन वगैरह देते हैं ताकि ये ठीक हो जाए, ठीक है। ये बीमार लग रही है, वो मुझे ठीक लग रही है, ये मुझे बीमार लग रही है, चलें इसको मेडिसिन देते हैं, क्योंकि इसको दोस्तों मैंने वैक्सीनेशन सारी करवाई हुई है, सारी मुर्गों को मैंने करवा दी थी, ठीक है, और वैक्सीनेशन भी बड़ी हैवी वाली करवाई है, उससे ये होता है कि अगर आपका परिंदा बीमार हो भी जाता है ना, बहुत होता है उसको रानी खेती बीमारी सबसे बड़ी होती है, वो लगती नहीं है, अगर कोई और बीमारी लगी उसको कोई मेडिसिन दो ना वो ठीक हो जाता है, ऐसी वैक्सीनेशन है इतना असर रखती है, ठीक है। तो अभी हमने तीन मुर्गे सबको ना सबको वैक्सीनेशन करवाई हुई है, और अभी मुझे बड़ी मुश्किल हो रही है, कभी इसको संभालो कभी इसको संभालो, और काफ़ी देर तक ना हमारा बस ये ना किग्गी मिक्रीज मुकम्मल हो जाएगी, और माशाल्लाह से फिर ही दोस्तों बहुत प्यारा हो जाएगा, फिर इसके साथ मुर्गियाँ लगा देंगे। अभी इसकी ना क्रीज कच्ची है, ठीक है, कच्ची क्रीज में ना क्या होता है ये देखे ना, इसे काम चक्करो
कच्ची क्रीज क्या होती है, मुर्गियां खा जाती है। अभी देखना माशाल्लाह जब एक क्रीज मुकम्मल कर लेगा ना इसके अंदर फिर जान भी काफी आ जाएगी, क्योंकि दोस्तों आधा ब्लड कौन सा होता है ना वो आपके मुर्गे के परों के अंदर चला जाता है, ठीक है। जब उसके पर मुकम्मल हो जाएंगे फिर ये अच्छा ग्रोथ करने लग जाएगा। और जहाँ तक रही दोस्तों मास्टर केज की बात, मास्टर केज में दोस्तों सारे बर्ड माशाल्लाह बिल्कुल एक्टिव है और इनमें से एक ने बच्चे भी निकाल लिए हैं। ये नहीं पता किसने निकाला, लेकिन जब रात को ऊपर आया था मुझे आवाज़ आ रही थी, मैंने कहा नहीं किसी किसी ने बच्चे निकाले हुए हैं। रात को माँ को उसी बच्चे को फीड करवा रही थी और वो बोल रहे थे, आई थिंक ना आई थिंक इस डोली के अंदर बच्चे निकले हुए हैं, ये दोनों के अंदर ना इकट्ठे निकले हुए हैं, क्योंकि दोनों ने इकट्ठे आई थिंक अंडे दिए थे। तो देखते हैं अभी किसके अंदर बच्चे निकले हैं, अभी नहीं देखते, अभी रहने देते हैं, फिर कभी देखेंगे, ठीक है। अभी तो बहुत छोटे छोटे हुए हैं, ठीक है, अभी नहीं देखते, अभी रहने देते हैं, तो फिर मैं आपको भी दिखाऊंगा। और दोस्तों एक और बात, हमारे कौन से बबलू है वो तो आप भूल ही गए होंगे यार, मैं नहीं भूला, वो भूल ही गए होंगे, उसकी माशाल्लाह से ट्रेनिंग मुकम्मल हो चुकी है, ठीक है। कल मैं उसको नीचे लेके आया था, मैंने करवाई थी उसकी फ़ाइट हमारे शेरू के साथ, क्योंकि शेरू से वो बबलू डरता था और उसने काफ़ी अच्छी फ़ाइट की इसके साथ, ठीक है। और अब वो उसका सेज तो ऊपर ही है, लेकिन उसके ऊपर क्लास देनी है, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा सही उसकी ट्रेनिंग बाहर लगा के ना, आपको थोड़ी सी इसकी ना फाइट करवा के दिखाऊंगा कि भाई उसको फाइट में कैसा हो गया है, ठीक है, वो मैं आपको लाजमी दिखाऊंगा। लेकिन अभी वो ऊपर ही बात उसको ऊपर आने देते हैं, ठीक है। तो अभी कभी उसके साथ ही फाइट करवाएं, क्योंकि वो ही ना उसके ना लेवल का बनता है, ये बाकी बड़े बनते हैं, ये देखें ना इनका मूड बन रहा कि हमने लड़ाई करें। इन चार चार मुर्गों को संभालने में ये मुश्किल होती है कि एक साथ रहते नहीं हैं, ठीक है। अभी इनमें से ना किसी को मैं यहाँ पर खोल के जा नहीं सकता, वरना लड़ने लग जाना, ठीक है। तो ये बड़ी बुरी आदत होती है, ठीक है। बस अब दुआ करें हमारी सारी मुर्गियाँ अंडे देने लग जाएँ और फिर हम सबके बच्चे निकलवाएं। ओए तुम इधर आओ यार, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, चलो चलो उधर, बस मैं ऐसा कट रहा है। बस अब दुआ करो यार हमारे सारे मुर्गे अंडे देने लग जाए, फिर हम सबके बच्चे निकलवाएं और फिर हमारे सेटअप पर बहुत ज़्यादा रौनक हो जाए और उस रौनक की वजह से हम और बर्ड्स लेके आए, ठीक है दोस्तों। और लाजमी दोस्तों क्या किया करें, वो स्पोर्ट लाजमी किया करें दोस्तों, आपके स्पोर्ट से हिम्मत मिलती है अगले बंदे को, ठीक है, मुझे भी हिम्मत मिलती है दोस्तों, स्पोर्ट लाजमी किया करें। तो दोस्तों बस यही थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद है कि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई है तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा और मेरे चैनल शहर में देहाती माहौल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा और साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा दोस्तों, ताकि दोस्तों मुझे भी वीडियो आसानी आप तक पहुँचती रहे। दोस्तों मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।